हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वेरिफिकेशन कब तक चलेगा, लास्ट डेट इसकी क्या है। दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रही थी आप लोगों की, तो हम इसी उसमें दोस्तों बात करेंगे और आपको स्टेटस दिखाएंगे कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ दोस्तों, उनका वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, लास्ट डेट क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों, और यदि आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आना तो कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। दोस्तों चलिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें दोस्तों। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये छात्र का हमारे पास स्टेटस है। इनकी देखिए आवेदन पत्र की स्थिति जाने, इनका रजिस्ट्रेशन 23/12/2020 को हो गया था, फाइनल सबमिटेड 25/12/2020 को, और इंस्टीट्यूट द्वारा भी फॉरवर्ड कर दिया गया था 11/1/2021 को। बट दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा इनका दोस्तों, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और इसकी दोस्तों लास्ट डेट 15 तारीख है, आज हो गई 14, कल तक दोस्तों सभी का वेरिफिकेशन हो जाना है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं दोस्तों, और यदि आपका नहीं हुआ तो दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि दोस्तों वेरिफिकेशन सबका होगा। और आपको दोस्तों यहाँ पर जो है लिख के आ जाएगा कि वेरीफाइड बाई DW, यहाँ पर डेट लिख के आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसका आपको आंसर ज़रूर देंगे दोस्तों। और आपने यदि कॉलेज में दोस्तों जमा किए थे कागज करेक्शन करके तो दोस्तों बहुत अच्छे, यदि नहीं किए थे तो अपने समाज कल्याण विभाग दोस्तों जाना शायद कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों समाज कल्याण विभाग वाले नहीं देते, आपके यहाँ अच्छे हों, क्योंकि एक जैसे दोस्तों नहीं होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।